आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत व 4 घायल और 2 भैंसों सहित 1 बकरी की भी हुई मृत्यु। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से कमासिन थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों से 1 महिला व 1 पुरुष की मौत हो गई, वहीं 4 गंभीर रूप से झुलस गए हैं तथा 2 भैंसों सहित 1 बकरी की भी मौत हो गई है। घायलों का सीएचसी कमासिन में इलाज चल रहा है। वहीं ग्राम अछरील में विजय निषाद पुत्र गणेश व उम्र 50 की आकाशीय बिजली गिरने मृत्यु हो गई। वहीं उर्मेन सिंह पुत्र रामराज गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ग्राम बेनामऊ निवासिनी रिजवंती पत्नी कल्लू यादव 50 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पास में खड़ी बकरी भी मर गई। तीसरी घटना ग्राम बंथरी में भैंसे चरा रहा मनोज कुमार यादव पुत्र शिव दर्शन 38 गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं थाना क्षेत्र के ही ग्राम तिलौसा में बिंदी पत्नी रामबरन 40 व बिट्टी पत्नी राजाराम 60 वर्ष भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। वही ऋतु पत्नी रामबरन को मामूली चोट आई है। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ हेमंत बिसेन ने बताया कि अछरील निवासी उर्मेंद्र सिंह की हालात अत्यधिक नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी का इलाज चल रहा है। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? भैया क्या घटना हुई है आज? ये 1 घंटे पहले जानवर सुबह से लेके गए थे, खाना खाने आए ये 3:30 बजे। 3:30 बजे के बाद ये खाना खा के गए। जब खाना खा के जानवर तक नहीं पहुँचे, पीछे में गाज गिरी, वहीं पे दोनों ढेर हो गए। अच्छा, दोनों गिर गए जी। क्या नाम है जिनकी मृत्यु हो गई, उनका क्या नाम? विजय निखाद है, 1 उर्मेन सिंह ठाकुर है। तो इसमें जीवित कौन है बताओ? विजय निखात खत्म हो चुका है। अच्छा। उर्मेन सिंह जीवित है। मैं से जीवित है। कितने बजे की घटना है ये? 3:30 से 4 के बीच की। इस समय इनको कहाँ पे लाया गया? सदर सरकारी अस्पताल कमासिन। अच्छा, कमासिन में। तो क्या इनका जांच वगैरह किया डॉक्टर साहब? इलाज जारी है। अच्छा, इलाज चल रहा है जी। हाँ। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा पिंटू। पिंटू जी कहाँ के निवासी हैं आप? अछरील के। अछरील की जो घटना हुई है आकाशीय बिजली की जी। एक कौन है आपकी और कैसी घटना हुई, कब कहाँ हुई है? ये मेरे पिताजी हैं, अभी 1 घंटे पहले खा के गए हैं। अच्छा। वही रास्ते में 2 लोग थे, दोनों के ऊपर ये घटना। क्या करने जा रहे थे? जानवर चराने जा रहे थे। क्या नाम है आपके पिताजी का? विजय निषाद। विजय जी, तो इनको कहाँ पे लेके आए हुए हो आप? कमासिन लेके आया हो। डॉक्टर ने देखा आपके पिताजी को जी? क्या कहा डॉक्टर ने? बोला इनके कुछ नहीं। तो खत्म हो गए? हाँ, बोल रहे खत्म। कितने बजे की घटना है ये? अभी 1 घंटे पहले की। ये क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ है आपके साथ आज? आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए हैं आप। कब कितने बजे की घटना है? क्या कर रहे थे आप, कहाँ थे उस वक्त? भैंस चरा रहे थे। तो भैंसे आपकी जानवर सलामत हैं? दोनों भैंस, 2 भैंस चरा रहे थे। और इसके अलावा और कुछ? गाय बच गई है। अच्छा, तो इस वक्त आप कहाँ पे हैं? अस्पताल में। आपका इलाज सही तरीके से चल रहा है? चलिए, पहले से स्वास्थ्य आपका ठीक है? चलिए डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आज आपके कमासिन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आकाशीय बिजली गिरने की कई घटनाएं हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आकाशीय बिजली गिरने के बाद आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन में जो है मरीजों को लाया गया था, जिसमें श्री मनोज कुमार थे बंथरी के, उनका जो प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद वो स्वस्थ, उनको घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद अश्लील के जो है ग्राम अश्लील के उर्मेन सिंह को लाया गया था जी। तो उनको तकरीबन 10-12% तक जल गए थे जी। वो उनको बर्नवार्ड जिला अस्पताल बांदा के लिए जो है रेफर कर दिया गया जी। अश्लील के ही विजय निषाद जी को लाया गया था, लेकिन वो लाया गया तो वो मृत अवस्था में थे जी। और उसके बाद ग्राम तिलौसा से श्रीमती बिंदी देवी और श्रीमती बिट्टी देवी को लाया गया था, दोनों माँ बेटी थी, वो लोग खेत में काम कर रहे थे। तो आकाशीय बिजली से वो भी खैर लाया गया था, लेकिन उनको भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी। प्राथमिक उपचार के बाद उन दोनों को घर भेज दिया गया जी। और किसी को जिला अस्पताल भी रेफर किया गया है? श्री अमरेंद्र सिंह जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है।
चलिए, यही पूरी जानकारी है आपके क्षेत्र की आज की। जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब, नमस्कार।